think so. नमस्कार। 23 जनवरी एक ऐसा दिन जिस दिन इस देश में एक ऐसा सपूत पैदा हुआ था जिस सपूत ने अपने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने के लिए ना जाने कितने त्याग किए, जो कि एक युवक के लिए आदर्श के रूप में सामने आने चाहिए। सुभाष चंद्र बोस नाम था, नाम है और नाम रहेगा हमारे देश के उस वीर सपूत का, जो कि ऐसा व्यक्ति बना जिसने आईसीएस की नौकरी छोड़ी, वकालत छोड़ी, सब कुछ छोड़ा और अपना तन मन धन, अपना मस्तिष्क, सब कुछ इस देश की आज़ादी के लिए लगा। कांग्रेस में आने के बाद लगातार नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक युवा क्रांतिकारी के रूप में कांग्रेस के अंदर अपना स्थान बनाते चले गए। वो एक अलग बात है कि उनके विचार जो कांग्रेस के कुछ अन्य बड़े नेताओं के विचार थे उनसे हमेशा भिन्न रहे, क्योंकि वो देश को पूर्ण रूप से आज़ाद कराने के लिए निष्ठा रखते थे। और इसीलिए जब लाहौर के अंदर भारत की स्वतंत्रता को लेकर के एक कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था तो सुभाष उसमें सबसे आगे थे। मुझे याद आ जाती है एक फाइल हमारे राष्ट्रीय अभिलेखागार में जो 1929 की फाइल है, और उस फाइल के ऊपर सीआईडी के एक अधिकारी ने लिखा था, He is the man to be watched. He can go to any foreign powers for help to liberate India. इस व्यक्ति पे ध्यान देना होगा। ये कैसा व्यक्ति है जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए किसी भी विदेशी ताकत से मदद ले सकता है। मैं सोचता हूं कितना परसेप्टिव था वो सीआईडी का एक छोटा अफसर जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये शब्द लिखे थे, और जो बात आगे जा कर के सही साबित हुई। सुभाष जी की लोकप्रियता इसी बात से स्पष्ट होती है कि किस प्रकार से उन्हें हरिपुरा के अंदर कांग्रेस ने चुनाव के द्वारा अपना अध्यक्ष बनाया था। और हरिपुरा में ही नहीं, 1938 के इस हरिपुरा अधिवेशन के बाद एक साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने के उपरांत 1939 में भी त्रिपुरी में कांग्रेस ने उनको दोबारा अपना अध्यक्ष चुना। अब वो अलग बात है कि गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीत को अपनी व्यक्तिगत हार माना, और किसी भी प्रकार का सहयोग गांधी जी के खेमे के जो लोग थे उन्होंने नेताजी को नहीं दिया। अंत नेताजी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस से अलग हुए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, रामगढ़ की फॉरवर्ड ब्लॉक की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, कई नेतागण उनके साथ आए, और यहां से एक ऐसी कहानी प्रारंभ होती है नेताजी की जिसका कि कोई और हमको उदाहरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आजादी की लड़ाई में नहीं मिलता। नेताजी को नजरबंद कर दिया गया था उनके घर में कलकत्ता में, और उस नजरबंदी से निकल के अंग्रेजों को धोखा देते हुए नेताजी अफगानिस्तान के रास्ते अंततः बर्लिन पहुंचते हैं। अंग्रेजों को खबर तक न लग पाई। वो तो जिस समय बर्लिन जाकर के नेताजी अप्रैल 1941 में बर्लिन में रेडियो से बोले तो खबर आई कि नेताजी कहां मौजूद है, और उसके बाद उनका रास बिहारी बोस से मिलना, तो वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस पहले ही कर चुके थे।
ऐसे सैनिकों के द्वारा जो कि पहले अंग्रेजी सरकार की तरफ से भारतीय सेना लड़ रही थी, भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, उनको आज़ाद हिंद फौज में लाना, और उसके बाद में बर्लिन से लेकर के और टोक्यो तक की यात्रा पनडुब्बी से करना, आप समझ सकते हैं कि वो क्या यात्रा रही होगी। और उसके उपरांत जापानी और जो जर्मन या जो और एक्सिस पावर्स थी उनकी सहायता से आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करना, मोरांग और पोर्ट ब्लेयर में आज़ाद हिंद के सबसे पहले झंडे फहराना अपने आप में एक कर्तव्य था। उनकी इस लड़ाई में उनका साथ दिया प्रवासी भारतीयों ने, न जाने हजारों प्रवासी भारतीयों ने अपना धन अपनी जान आजाद हिंद फौज के लिए दी। एक बहुत ही स्पष्ट बात यहां देखने की होती है कि सन 42 के बाद का जो दौर है, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चला, नेताजी ने बर्लिन रेडियो से बोलते हुए इसको एक अहिंसात्मक गुरिल्ला वॉरफेयर बताया था, अहिंसात्मक गुरिल्ला युद्ध बताया था, और भारतीय जनता के इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया था। इसके विपरीत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के इतिहास में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, यहां तक के उनके और आजाद हिंद फौज की जो भूमिका है राष्ट्रीय आंदोलन में इस देश की आजादी के लिए, उसको पुस्तकों में केवल कुछ पैराग्राफ्स तक या एक दो पन्ने तक सीमित कर दिया गया। और आज उसकी याद दिलाना हमारे विद्यार्थियों को, इस देश की जनता को, हम अपना फर्ज समझते हैं, और इसीलिए हम इस कार्यक्रम को, हमारा जो सेंटर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल एंड डायस्पोरा स्टडीज है उसकी तरफ से आपके सामने लाए हैं। मेरे साथ साथ मेरे दो और सहयोगी डॉक्टर सुशील कुमार तिवारी और डॉक्टर सरवरुल हक दोनों साथ में मौजूद हैं, और हम नेताजी के बारे में जो कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं उन भ्रांतियों को ध्वस्त करने में, जो नए साक्ष्य सामने आए हैं उनको लेकर के इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले कि मैं सुशील जी और सरवरुल जी से कुछ बात करूं, एक बहुत बड़ी भ्रांति मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक प्रचार नेताजी के खिलाफ ये किया गया कि वो हिटलर के साथ मिल गए, फासीवाद के साथ मिल गए, जापानी फासीवाद, जर्मन फासीवाद के साथ मिल गए और नेताजी फासीवादी हो गए। ये एक पूर्णतः निराधार भ्रांति फैलाई गई। एक बात समझ लीजिए, नेताजी की जो आइडियोलॉजी थी वो केवल एक थी, और वो थी इस देश को स्वतंत्र कराना, इस देश को आजाद कराना, और उस आजादी के लिए जहां से भी उन्हें सहयोग प्राप्त हो सकता था उन्होंने वो सहयोग लेने की कोशिश की। भारत से तो सोवियत रूस जाने के लिए निकले थे, जर्मनी जाने के लिए नहीं निकले थे। और सोवियत रूस ने उस समय, जिस समय वो भारत से निकले हैं, उस समय तक सोवियत रूस का पैक्ट था अंग्रेजों के हिटलर के साथ में, नॉन एग्रेशन पैक्ट सोवियत यूनियन के साथ किया था हिटलर ने। और तब तक जो साम्यवादी आज भी कहते हैं कि नेताजी फासीवाद के साथ मिल गए, वो तब तक प्रथम युद्ध को इंपीरियलिस्ट वॉर मानते थे। वो तो जब हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया तब उन्होंने उसको जनयुद्ध या पीपुल्स वॉर कहना शुरू किया और उसके साथ साथ दिया। लेकिन इसी तर्क में अगर मैं दूसरी बात कहना शुरू करूं कि जिन लोगों ने 1942 या विश्व युद्ध के दौरान फिर अंग्रेजों का साथ दिया, तो उनको हम क्या कहेंगे? क्या वो देश के गद्दार रही है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? भारत की आजादी के प्रश्न को लेकर के जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया मैं उन्हें गद्दार कहूंगा, ना कि जिन्होंने हिटलर या जापान की मदद ली देश को आजाद कराने के लिए। और यहीं से एक प्रक्रिया नेताजी के बारे में जो एक नई कहानी प्रारंभ होती है,
कि वो व्यक्ति जो बीमार था, जो त्रिपुरी अधिवेशन के समय में बीमार था, वो दोबारा त्रिपुरी में चुना जाता है। और जहां उस समय की एक मेरे पास ये अभ्युदय क्या एक लेख मौजूद है जो त्रिपुरी की कांग्रेस का व्याख्यान करता है, जो ये कहता है कि जहां एक तरफ सम्मेलन में बड़े बड़े जो उच्च पदाधिकारी इलीट लोग थे, वो लोग अपनी शेव बना के सफेद कुर्ता पजामा पहन करके अधिवेशन में जाने के लिए बैठे हुए थे, वहां दूसरी तरफ इस देश का गरीब किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के आम आदमी जल्दी जल्दी अपनी रोटियां बना रहे थे, छोटी छोटी आग जला करके, कि हम जल्दी से रोटी खा लें, जिस समय के नेताजी जब आए, जब सुभाष बाबू आए, तो हम उनके दर्शन कर सकें। ये थी नेताजी की लोकप्रियता आम आदमी के बीच में। और इसी लोकप्रियता को हमने आगे भी देखा कि 1946 के अंदर अभ्युदय के अंदर पदमकांत मालवीय जी इसको निकालते थे अखबार को, जबकि ये कह दिया गया कि 1945 के अंदर नेताजी का देहांत हो गया, जो कि नहीं हुआ, जो कि गलत बिल्कुल खबर है, जो एक और भ्रांति फैलाई जाती है, क्योंकि वहाँ अब तो साफ हो गया है कि वहाँ पे कोई हवाई जहाज का क्रैश ही नहीं हुआ था, दोबारा उसकी मांग हो रही है। तो वहाँ पे ये लोकप्रियता थी कि बंगाल के अंदर जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के 1946 में भवानी माँ की पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने नेताजी को अपने हाथ में, अपने हाथ से शेर पर आसीन भवानी जो है वो नेताजी को भी अपने हाथ से तलवार दे रही है। ये 1946 की बात है लोकप्रियता की। और इसी लोकप्रियता को आगे बढ़ाते हुए मैं सुशील आपसे पूछूंगा कि हमको कुछ ऐसी कविताएं बताइए या जो कुछ लेख बताइए जो उस समय अखबारों में इस पूरे दौर में 1942 के बाद से और 47-48 तक चले हैं, क्योंकि ये मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि नेताजी की देश में उस समय की लोकप्रियता को आंकने का इससे बढ़िया साधन कोई नहीं था कि हम तत्काल उस समय के जो समाचार पत्र हैं उनमें नेताजी के बारे में किस तरीके की खबर छपती है, किस तरीके की कविता छपती है, किस तरीके के उनके बारे में गीत छपते हैं, क्योंकि उस समय की पत्रकारिता जो थी वो आम देश का जो विचार था उसको जाहिर करने का एक सबसे बड़ा साधन थी। और इसीलिए हमने अपने केंद्र से अपने इन दो साथियों को, एक को हमने हिंदी के जो उस समय के पत्र हैं उनको देखने के, शोध करने के लिए लगाया सुशील जी को, सरोल जी को हमने कहा कि आप जो उर्दू के अखबार हैं उस समय उनको देखिए कि उन उर्दू के अखबारों के अंदर आज़ाद हिंद फौज और नेताजी को लेकर क्या क्या छपा है, और उसके पीछे एक कारण था। कारण यह था कि यह एक ऐसा काल है 1940 के बाद से जबकि पाकिस्तान की मांग हो चुकी है, देश में सांप्रदायिकता फैलाने का की बात हो रही है, इस जहर को फैलाने की बात हो रही है, देश को विभाजन करने की बात हो रही है। और उस समय पर जो नेताजी को याद करके लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि आज़ाद हिंद फौज और नेताजी, ये जो आज़ादी भारत को मिली उस तरीके के आज़ादी के लिए नहीं थे, वो संगठित भारत के लिए लड़े थे, वो एक भारत के लिए लड़े थे, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए नहीं लड़े थे, उसमें हिंदू और मुस्लिम मिलकर लड़े थे, उसमें स्त्री और पुरुष मिलकर लड़े थे, उसके अंदर प्रवासी भारतीय और आज के भारतीय उसमें मिलकर के लड़े थे। मैंने तो ये तक देखा कि त्रिनिदाद जैसे देश से, कैरेबियन से, वहां से लोगों ने चंदे भेजे आजाद हिंद फौज की देने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए। तो उस समय जब देश में बंटवारे की आग फैलाई जा रही है, देश को बांटने की बात की जा रही है, उस समय जनता कैसे स्मरण कर रही है नेताजी सुभाष के बारे में, वो पहला मैं सुशील से पूछूंगा कि सुशील जी, कोई ऐसी आपको कविता या कोई आपको मिली कि लोग सुभाष को याद कर रहे हो, कि सुभाष किसके लिए खड़े थे और आज क्या हो रहा है देश के अंदर? सर, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक और कविता पढ़ना चाहूंगा। जो आपने बात कही कि नेताजी जब बाहर जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और
देश की आज़ादी के लिए लड़ना शुरू किए तो उन पर आरोप लगाया गया कि वो साम्राज्यवादी लोगों के साथ जा करके मिल गए हैं। और उस पर एक कविता है अभ्युदय में, ये 23 सितंबर 1946 को छपी है, जय हिंद करके, बंशीधर शुक्ल की यह कविता है। एक मिनट, इसका मतलब यह है सुशील जी की कविताएं बनाए बहुत पहले गई होंगी। हाँ, लेकिन क्योंकि इनको जब्त हाँ, कर लिया जाता हाँ, था अंग्रेजी सरकार की तरफ हाँ, से हाँ, तो इसलिए छपती कई बार बाद में छपी। हाँ हाँ हाँ, बाद में छपी हैं। और ये और यह भी है कि जिस समय ये विश्वयुद्ध चल रहा था और आजादीन फौज का जो पूरा चल रहा था, तो उस समय इस तरह की कविताएं लिखी तो बहुत गई हैं लेकिन छपी बाद में, आप ठीक कह रहे हैं। तो ये कविता है वंशीधर शुक्ल की, मैं सिर्फ 4 लाइन पढ़ रहा हूं इसकी। ये कह रहे हैं कि आज विश्व के वक्षस्थल पर गूंज रहा जय हिंद, बोल रहा है गगन हिंद में हिंद हिंद जय हिंद। फिर आगे आते हैं, लीडरों ने ठुकराया जिनको कह कौमी गद्दार, चले गए थे जीव बचाने जनता के सरदार, कोई सखा न द्रव्य न सेना, कुछ नहीं था उनके पास, लिए भावना हिंद, सिर्फ हिंद की भावना कि हमको देश को आजाद कराना है, सिर्फ इस भावना से वो गए, निकल पड़े संग्राम मचाने, बोल बोल जय हिंद। हिंद शब्द ही कल्प वृक्ष है, बरस पड़ी सब द्रव्य, निकल पड़ी वह सैन नई जो न थी कभी ज्ञातव्य। कल्प वृक्ष को यहां पे एक रूपक के रूप में उपयोग किया गया है। कल्प वृक्ष वह वृक्ष होता है जिसे आप जो मांगे वो दे देता है। तो यहां पे हिंद को कल्प वृक्ष के रूप में कहा गया है कि जय हिंद का जो नारा है यही सब कुछ है और इसी से आपको सब कुछ मिलेगा और भारत की आजादी ही महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें गौड़ हैं। आप किस तरह से आजादी को प्राप्त कर रहे हैं, किस विचारधारा से प्राप्त कर रहे हैं, किस तरीकों से प्राप्त कर रहे हैं, वह गौड़ है। अभी मुख्य विषय यह है कि भारत को आजाद होना है और नेताजी भारत को आजाद कराने के लिए यहां से गए हैं, इसलिए उन पर यह आरोप लगाना कि वह साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी ताकतों के साथ मिल गए हैं, यह गलत है। तो यह कवि इस कविता में पूरी जिसको कहते हैं देशभक्ति की भावना से भर करके नेताजी के बारे में यह बात कह रहा है। सरवन जी, क्या इससे मिलती जुलती कविता हमें कोई उर्दू में भी मिलती है? जी सर, हमने जब 3 जो नज़में इसमें ऐसी हैं जो कि ज़मींदार न्यूज़पेपर से और भाईबंद से और इनकलाब से ली गई हैं, ये वो दौर है जब हिंदुस्तान में तकसीम की बात चल रही थी और सभी जवानों को हर मज़हब के लोगों को जोड़ने के लिए, आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए और नफ़रत दूर करने के लिए एक मेरी माता के सर पे ताज रहे एक पोएम लिखी गई, जिसमें ख़ास तौर से बताया कि हमें कैसे मिलकर चलना है। जो पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, ये सर 43 की है सर, ये सर है, मेरी माता के सर पर ताज रहे, मेरी जान ना रहे, मेरा सर ना रहे, सामान ना रहे, साज ना रहे, फकत हिंद मेरा आज़ाद रहे। मेरी माता के सर पर ताज रहे, मेरे हिंदू मुस्लिम एक रहें, भाई भाई का रस्म व रिवाज रहे, मेरे वेद कुरान पुराण रहें, मेरी पूजा रहे वो नमाज रहे। ये उस वक्त कहा गया जब ब्रिटिश खास तौर से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था दोनों कौमों में झगड़े कराने के लिए, तो उस वक्त ही कहा गया था, मेरे वेद पुराण कुरान रहे, मेरी पूजा रहे वो नमाज रहे, मेरी माता के सर पर ताज रहे, मेरी टूटी मदिया में राज रहे, कोई गैर ना दस्त अंदाज रहे, कोई भी इंसान गरीब नहीं हो, सबको खाने को मिले, मेरी माता के सर पर ताज रहे, ये किसान मेरे खुशहाल रहें। अब सबको इसमें ले रहे हैं, किसान भी हैं, छोटे हर तबके के लोगों को ले रहे हैं, ऐसा नहीं किसी एक के लिखा गया है। मेरी माता के सर पर ताज रहे, ये किसान मेरे खुशहाल रहें, पूरी हो फसल सुख साज रहे, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ से ग्रेन्स को ना शिप से भेज देते थे उस समय, बंगाल फेमिन भी है, वो सारा पीरियड है, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में सारा इन्होंने डिस्ट्रॉय करके मैनमेड फेमिन बनाया है। जी सर, इस सब उस काल के अंदर। जी सर, तो ये किसान मेरे खुशहाल रहें, पूरी हो फसल सुख साज रहे। ये कविता जो है जी, ये भाईबंद से है या जमींदार से है? ये भाईबंद से है। भाईबंद से जी। और भाईबंद जो था जी, वो अखबार आजाद हिंद फौज जी था? जी, आर्मी सेक्शन प्रेस, आर्मी सेक्शन। देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज को वहां रखते हुए, वहां से लड़ते हुए अपना एक प्रेस सेक्शन बनाया था आजाद हिंद फौज का, जिससे भारत के अंदर वो लेख कविताएं भेजे जाते थे जी जी, ताकि यहाँ के युवाओं को सब बातें बता। मेरे बच्चे वतन पर निसार रहे, अभी छोटे बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, छोटे बच्चों को, यूथ को, मेरे बच्चे वतन पर निसार रहे, मेरी माँ बहनों में लाज रहे, मेरी माता के सर पर ताज रहे, मेरी तो चाह खुदा की कसम, मेरे बादे वफात स्वराज रहे। ये उन लोगों के लिए जो लोग शहीद हो जा रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि हम रहे न रहे, बस स्वराज हमें मिलना चाहिए।
बरसों बरसों सुख चैन का साज रहे, जय हिंद का ये अल्फाज रहे। यहाँ पे सुशील जी आप एक दूसरी कविता बता रहे थे इसी से रिलेटेड कि जिस समय ये पाकिस्तान को अलग बनाने की बात है तो तब जो उस तरीके की कविता अभ्युदय के अंदर है जो सुभाष जी को याद करते हुए बुला रही है कि सुभाष मुझे याद है शायद इस तरीके की कविता हमने, हाँ इस तरह कई कविताएं हैं। मैं दो कविताओं की चार चार लाइनें पढ़ूंगा। एक कविता है आज राष्ट्र को पुनः सुभाष चाहिए, ये जगदीश प्रसाद विश्व की लिखी हुई कविता है। ये 2 फरवरी 1948 को छपी है यानी आज़ादी के बाद छपी है, लिखी पहले गई होगी। ये इसमें लिख रहे हैं कि कर्णधार देश के विभक्त हो रहे, कर्णधार देश के विभक्त हो रहे, शक्ति पा चुके मगर अशक्त हो रहे, जूझती जरा तरुण विरक्त हो रहे, दैन्य से स्वदेश को उबार जो सके, सैन्य शक्ति का वही विकास चाहिए, आज राष्ट्र को पुनः सुभाष चाहिए। बहुत अच्छे, हाँ। मतलब ये तो 47 के बाद की जो हालत हो रही है जबकि पाकिस्तान ने हमला कर रखा है और उधर सरदार पटेल इंटीग्रेट कर रहे हैं सारी स्टेट्स को, ये उस समय की कही हुई इनकी चार लाइन है। ये कुछ इस प्रकार पहले भी कुछ और थी कि सुभाष को विभाजन से पहले की भी जो है कि देश बट रहा है और सुभाष आ जाओ। हाँ ये मुझे लगता है ये कविता पहले ही लिखी गई होगी क्योंकि इसका जो पूरा स्वर जो है वो विभाजन के पहले का ही बताइए, है। बताइए। वो लिख रहे हैं कि इसका नाम है जब सुभाष आएंगे, ये चुनकारी राम ब्रह्मचारी की कविता है। क्या बताया? चुनकारी राम ब्रह्मचारी। अब देखिए ये अज्ञात कवि है, हाँ। आज देश में इनको कोई सम्मान नहीं है, हाँ। कोई इनको जानता नहीं और किस प्रकार का राष्ट्रवाद इन्होंने प्रचारित किया है उस समय ये देखने की बात है। और ये 21 अक्टूबर 1946 को छपी है। इसमें यह कह रहे हैं कि नवजीवन की ज्योत लिए जब बोस हिंद में आवेंगे, नवजीवन की ज्योत लिए जब बोस हिंद में आवेंगे, बोस हिंद में आवेंगे, हाँ। और उसके बाद फिर वो आ रहे हैं कि ये जो पूरा विभाजन का जो पूरा दौर चल रहा है और विभाजन की बात हो रही है हिंदू मुस्लिम और बाकी जो धर्मों में आपसी विभेद की बात हो रही है, जातियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, वह कैसे सुभाष के आने के बाद ठीक हो जाएगा। वो उस पर कह रहे हैं कि ढह जाएंगी खूनी दीवारें, गूंज उठे ऊंची मीनारें, झुक जाए हिमालय स्वागत को, सरिता हो अमृत की धारें, छुआ छूत का भूत भगाकर वे ध्रुव प्रेम दर्शाएंगे, जाग उठेगा जलियांवाला, यानी ये थोड़ा पीछे जा करके जो भारतीय इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको भी याद करते हुए कह रहे हैं, जाग उठेगा जलियांवाला, केस उठेगा बलियांवाला, बलियां 1942 हाँ आजाद हो गया था कुछ दिनों के लिए, तो उसकी बात कर रहे हैं। हाँ अभी 42 खोलेगा वह नरमेध करबला वाला, नरमेध यज्ञ होता था हमारे यहाँ और करबला मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई चीज है, तो दोनों को एक साथ ही रख रहे हैं। उबले भक्षक नरदानों को वे मानव प्रेम बढ़ाएंगे, चित्र लिखित सी जग काया, नरदानों ने जग भरमाया, यह दुखित किसानों की काया, मजदूरों की पशुवत माया, यानी किसान और मजदूर की भी बात, दलित कुचलों की भी बात, घोर निराशा अंधकार में आशा की ज्योति जलाएंगे। अब इसके बाद की लाइनों पर ध्यान दीजिए, मिल मोहन और मोहम्मद अलख जगाएंगे मंदिर मस्जिद, हृदय मिलेंगे काबा काशी, हृदय मिलेंगे काबा काशी, निकले कोटिक मुख से जय हिंद, जागे दिल्ली का सिंहासन, हंसी बापू तिलक लगाएंगे, भभक उठेगी आग हिंद में, रिप कभी नहीं बच पावेगा, सप्त सिंधु सब द्वीपों में नभ से भी वह भग जावेगा, तोड़ गुलामी की जंजीरें, जग का उद्धार करावेंगे। इसका मतलब ये कविता लिखी पहले गई है या तो जब्त कर ली गई है और उसके बाद में इसको डाला गया है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि 46 में छपी ये कविता जबकि घोषित कर दिया गया कि जी सुभाष बोस नहीं रहे, उस समय भी जनता के बीच में जो आस है कि सुभाष जीवित है और सुभाष आएंगे और सुभाष इससे हमारे को मुक्ति दिलाएंगे, एक बहुत बड़ी बात है उस समय की। सरोरन जी कुछ दिल्ली चलो या इंकलाब से लेकर मेरे ख्याल से उर्दू में कुछ अच्छी कविताएं मौजूद हैं इस तरीके की, जरा एक आध पढ़ के सुनाएंगे। सर वो इंफाल चलो पे एक नज़्म है, इंफाल चलो पे। जी, इंफाल चलो जब इंफाल में जाकर के आजाद हिंद फौज की सरकार बनती है और मोरंग के अंदर पहली बार झंडा फहराया जाता है आजाद हिंद सरकार का। जी जी वो है सर, इसका नाम है इम्फाल चलो इम्फाल चलो, इम्फाल चलो इम्फाल चलो, इम्फाल की राह बंगाल चलो, इम्फाल को पहले जाना है, दुश्मन का नाम मिटाना है, इस राह से सीधे दिल्ली तक
अब झंडे को लहराना है। वाह, इस राज से, इस राज से अब दिल्ली तक। जी, इस राज से सीधे दिल्ली तक, सीधे दिल्ली तक इस झंडे को लहराना है। जी, इस राज से सीधे दिल्ली तक अब झंडे को लहराना है। इम्फाल चलो, इम्फाल चलो, इम्फाल की राह बंगाल चलो। खून खून की सदाएं आती हैं, इम्फाल की याद दिलाती हैं। खून खून की सदाएं आती हैं, इम्फाल की याद दिलाती हैं। दिन रात शहीदों की रूहें बदले के लिए हमें बुलाती हैं। भारत की याद सताती है, चल भारत हमें बुलाती है। भारत से अपने कानों में आवाज़ यह हरदम आती है। इम्फाल चलो, इम्फाल चलो, इम्फाल की राह बंगाल चलो। क्या बात है। इसी तरीके से चलो दिल्ली को लेकर के भी कुछ और उस पर सर, एक दहली चलें के नाम से, दहली चलें के नाम से। दहली चलें, दहली चलें, दहली चलेंगे, ओ जवान हिंद हम दहली चलेंगे। हाँ हाँ ऐसे चलेंगे। मजहब के इख्तलाफ थे वो सारे हट गए। बन कहूँ में हिंदी एक सब मैदान में डट गए। नारा आज़ादी बोलते हम ऐसे चलेंगे। ठहरे ना कोई सामने हम ऐसे चलेंगे। हाँ हाँ हम ऐसे चलेंगे। तौके गुलामी तोड़ हिंद आज़ाद कर देंगे। गर मौत सर पर आ गई तो भी ना डरेंगे। अजीज ज़माना देखेगा हम ऐसे चलेंगे। झंडा तिरंगा कौम का लहराते चलेंगे। हाँ हाँ हम ऐसे चलेंगे। क्या बात, क्या बात है। सुशील जी, इस तरीके से कुछ और युवाओं को आह्वान करते हुए हिंदी में, देखिए ये हिंदी और उर्दू का समावेश एक ऐसे काल में जबकि भारत के विभाजन की बात हो रही है, संप्रदायों को बांटने की बात हो रही है, और उस समय हिंदी और उर्दू दोनों मिलकर के जो है देश प्रेम के लिए, देश को एक रखने के लिए नेताजी के संदेश को सारे देश के सामने डाल रहे हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण कविता है जो अभी दिल्ली चलो की बात हो रही थी, तो नेताजी ने नारा दिया था दिल्ली चलो। इस कविता का नाम है सिरोही तान के दिल्ली चलेंगे हम। सिरोही तान के दिल्ली चलेंगे हम। हाँ, क्या बात। सिरोही मतलब जो बंदूक की बुनट होती थी, जो कि गोली खत्म होने के बाद लोग उससे लड़ते थे, तो कह रहे हैं उसको तान करके हम दिल्ली चलेंगे। राम गोपाल पांडे शारद की कविता है ये। ये इस कविता में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि ये कविता प्राचीन भारत से यानी महाभारत काल से शुरू होती है और वहां से पूरे दिल्ली का इतिहास कहते हुए प्रेरणा लेते हुए, हाँ, और वहां से प्रेरणा लेते हुए और फिर मध्यकाल से गुजरते हुए आधुनिक काल तक आती है। तो मैं थोड़ा शुरू का पढ़ रहा हूं। दुशासन ने यहीं पर द्रौपदी के बाल नोचे हैं, यहीं पर लाजपत लेकर के मोतीलाल नोचे हैं, यहीं पंजाब लूटा और यहीं बंगाल नोचे हैं, यहीं शाही हरम की बेगमों के माल नोचे हैं। इसी दिल्ली ने पृथ्वीराज से चौहान देखे हैं, इसी दिल्ली ने अर्जुन भीम से बलवान देखे हैं, इसी दिल्ली ने भारत में विकट बलिदान देखे हैं, इसी दिल्ली ने पांडव राज्य आलीशान देखा है। फिर इसके बाद ये कविता आगे आती है। और पहले वाला तो एक बहुत अच्छा कटाक्ष है। हाँ, कि इसी दिल्ली ने सब ये दौर देखे हैं। हाँ, जिसमें वो जो दिल्ली का शोषण है भारत, और दिल्ली एक सिंबल है भारत, सिंबल का एक भारत का प्रतीक है दिल्ली जो है, उस शोषण को दिखाते हुए फिर आगे चल के क्या बताते हैं। तो आगे आकर के फिर ये कहते हैं कि अब पूरी पूरी इतिहास के बाद वो फिर कंटेम्प्रेरी दौर में आते हैं, मॉडर्न दौर में आते हैं, और कहते हैं उबल कर शक्ति से हिंदू का हर बलवान कहता है, मुसलमानों का बच्चा ले कुरान की आन कहता है, बहादुर सिख दल अपनी कृपाणे तान कहता है, न जब तक अंत हो साम्राज्यशाही का, न जब तक अंत हो इस बादशाही का, भले ही कूट जाएं न झुकेंगे हम, न तब तक एक क्षण को भी रुकेंगे हम, न तब तक हार खा करके लुकेंगे हम, न जब तक मुक्त भारत कर चुकेंगे हम। हमारे जय विजय के प्रश्न की खातिर बनी दिल्ली, जगत साम्राज्य के सर्वांग का है सिर बनी दिल्ली, हजारों बार उजड़ी और सुंदर फिर बनी दिल्ली, सुखद स्वाधीनता की मंजु है मंदिर बनी दिल्ली। और फिर कवि कहता है इस कविता में कि वो दिल्ली जो कि कभी हमारी शान हुआ करती थी, आज वो दिल्ली वहाँ पे अंग्रेजों का राज है, हमें उस दिल्ली को आज़ाद कराना है। और जैसा सर ने कहा दिल्ली एक सिंबल था, तो अगर हम दिल्ली को आज़ाद कराते हैं तो फिर तिरंगा झंडा लाल किले पे फहराएंगे और पूरे भारत को आज़ाद कराएंगे। और एक और कविता है जो बस दो लाइन और मैं पढ़ूंगा। नेताजी ने जो नारा दिया था, तुम मुझे रक्त का दान करो मैं दूंगा तुमको आज़ादी, इस पर एक कविता है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जितनी भी कविताएं मैंने हिंदी में कलेक्ट की हैं या जो मैंने पढ़ी हैं, इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक रूपकों का बड़ा बढ़िया उपयोग किया गया है। अब जैसे इसमें देखिए, ये कह रहे हैं कि रणभेरी बनकर टूट पड़ी दुश्मन पर कितनी ही गाजें, उन्मत्त गगन में गूंज उठी 40 करोड़ की आवाजें, रणचंडी छमछम नाच उठी
स्वर में भैरव ताल लिए, यानी काली जी को भी ला रहे हैं और भैरव को भी ला रहे हैं। वैरी का शीश कुचलने को वीरों ने शस्त्र संभाल लिए। तो हमारी जो प्राचीन परंपरा रही है भारत की, उसमें जो हमारा जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज रहे हैं, धर्म से जुड़ी हमारी जो चीज़ें रही हैं, हमारे जो ग्रंथ रहे हैं, और फिर जो हमारी संस्कृति रही है, उससे रूपक उठा करके ये कवि ले आते हैं, ताकि लोगों के अंदर वह देशभक्ति की भावना को और अच्छे से जागृत कर चुके कर सकें, और एक स्वाभिमान का भाव उनके अंदर जागृत कर चुके हैं कर सकें, और इसके जरिए वो उस व्हाइट मैंस बर्डन और ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की अंग्रेजी जो साम्राज्यशाही के जो सिद्धांत थे उनको भी चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं। सर, ये बड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और यही नहीं, मैं समझता हूँ कि एक जो दूसरा गीत था कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, ये जब गाना आया है तो देखिए, गाना तो हिंदुस्तान में उस समय ये रेडियो के माध्यम से आया, और या जो आज़ाद हिंद फौज का जो प्रेस यूनिट था वो देश के अंदर अंग्रेजों से छुपा करके वो चीज़ें लाई जाती थी, मार्चिंग सॉन्ग्स वगैरह। और अभी हमने अभी कुछ दस्तावेज़ देखे हमने लखनऊ के राजकीय अभिलेखागार में, जहाँ में ये पता चला कि एक पूरी यूनिट नेताजी ने 25-30 लोगों की गुप्त तौर से भुवनेश्वर के रास्ते हिंदुस्तान भेजी थी, कि जिन्होंने भुवनेश्वर में आके और फिर वो लोग बट गए तीन तीन चार चार के ग्रुप में, एक ग्रुप कराची चला गया, एक ग्रुप बंगाल चला गया, एक ग्रुप दिल्ली की तरफ आया कि जहाँ आंतरिक रूप से आज़ाद हिंद फौज संपर्क स्थापित कर सके, या जो बंगाल वगैरह की और भी जो खुफिया जानकारी अंग्रेज़ों के बारे में चाहिए उनको जारी दे सके। और वहीं उसी के साथ साथ हमको कुछ डायरी भी उनकी गिल साहब की, कर्नल गिल की जो डायरी वगैरह भी दी, जिसमें उन्होंने अपने पूरे उसका प्रचार किया है कि किस तरीके से देश में आने के बाद में उन्होंने जो है सब इन प्रदेशों में घूम घूम करके किस तरीके से वो आज़ाद हिंद फौज को वहाँ भेज रहे थे। तो मतलब खाली एक जज्बाती बात ही नहीं थी, जज्बात तो देश को आज़ाद कराने का था, लेकिन जो उसके पीछे एक संगठित शक्ति थी। अभी देखिए ना, दो दिन पहले ही स्वर्ग सिदारी है आज़ाद हिंद फौज की, जो सबसे बड़ी जासूस मानी जाती थी, मैं नाम अभी एकदम दिमाग में आ जाएगा उनका, तो नहीं नहीं नहीं, दक्षिण भारत से थी, कल ही उनके बारे में लिखा है, चर्चा की है पूरी की पूरी। तो वो बर्मा के फ्रंट पे और उधर तमाम जगहों पे उन्होंने जो है इनके लिए, अब 97 साल की थी उनकी, कल परसों मृत्यु हुई, उन्होंने जो जासूसी की। और इसी के साथ साथ वहाँ पे देखिए बर्मा वगैरह के अंदर मुझे एक बात किया बड़ा, मैं आज के मीडिया की एक तारीफ करूँगा कि जो काम इतिहासकारों ने हमारे नहीं किया वो अब कई हमारे मीडिया के चैनल जो हैं वो उस समय की जो वारदात हैं, जो कहानी है, जो आज़ादी की लड़ाई में आज़ाद हिंद फौज का योगदान है, जो वहाँ पे रहने वाले भारतीयों का योगदान है, उनको सामने एक एक करके कथाओं को ला रहे हैं। क्योंकि आज तक करीबन समझिए हजारों प्रवासी भारतीयों ने अपनी जान दी वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की तरफ से लड़ते हुए, और जान ही नहीं दी, अपना पैसा, मतलब जो वहाँ पे सोने का व्यापार करते थे, हीरो का व्यापार करते थे बर्माना, उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए, अपना धन खोल दिया। लेकिन 47 के बाद में उनकी सूद तक नहीं ली गई कि इन प्रवासी भारतीयों ने जो देश के लिए किया था, कि उनको सम्मानित करना तो बहुत बात की बात है, कि उनके परिवार किस दशा में है, या उन पर क्या बीती, या अंग्रेजों ने उनके ऊपर क्या किया विश्व जीतने के बाद में, क्योंकि तमाम उदाहरण हमारे पास भारत में मौजूद हैं कि जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक दोबारा कैप्चर करके भारत में लाए गए, उनके ऊपर तरह तरह की यातनाएँ जो दी गई हैं वो तमाम अखबारों में उस समय प्रकाशित हुई हैं। टीढ़ी गढ़वाल से ही हमको ये मिलता है कि टीढ़ी स्थित आज़ाद हिंद के सैनिकों की शोचनीय स्थिति है, कि उनके हर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पटवारी और खुफिया लोगों को करके उनको तंग किया जाता रहा है। 1946 के अंदर की बात है ये, और लाल किले में मुकदमे भी चले, और लाल किले में जब मुकदमे चले तो जो नारा था लाल किले में कि लाल किले से आई आवाज़ सहगल ढिल्लो शाहनवाज़, अब इस नारे का एक पीछे बहुत महत्व है।
क्योंकि सन 46 का ट्रायल है ये, और ये मत भूलिए कि वही पाकिस्तान की डिमांड और हमारे बड़े बड़े कांग्रेस के नेता उस समय जो हैं वो टेबल पे बैठ करके पाकिस्तान की नेगोशिएशन चल रही है क्या बनेगा, अंतरिम सरकार लास्ट कोशिश की गई थी बना करके, उस समय में ये नारा आना, मेरा एक इतिहासकार के नाते मानना है कि ये कोई अंग्रेजों का एक बहुत सोची समझी चाल थी कि एक हिंदू सहगल, एक सरदार ढिल्लो और एक मुसलमान शाहनवाज, कि इन तीनों को आपने मुकदमे में खड़ा किया और पूरा देश इनके पीछे एक होकर के खड़ा हो गया था। नेहरू जी भी चोला उतार के आए थे, लेकिन वो एक अलग बात है कि एक कल्चर में अप्रोप्रिएट करने की, लेकिन पूरा देश इनके पीछे खड़ा हो गया था। लेकिन बाद में आजाद हिंद फौज के इन सैनिकों के साथ क्या हुआ, जब देश स्वतंत्र हो गया तो हमने इन सैनिकों को अपनी आजाद हिंदुस्तान की सेना में, नेहरू जी ने इनको वापस लेना तक उचित नहीं समझा। 30 लाख ट्रेंड सोल्जर्स, मैं बता रहा हूं आपको, 30 लाख ट्रेंड सोल्जर्स, और एक ऐसे समय में जिस समय के भारत को जरूरत थी, पाकिस्तान से लड़ाई शुरू हो चुकी थी और पाकिस्तान ने कर्नल हबीबुर रहमान और उन लोगों को अपनी सेना में वापस ले लिया। लेकिन हमारे यहां प्रधानमंत्री और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय के, उन्होंने ये ठीक नहीं समझा। इन्हीं के साथ नहीं, जो 1946 के अंदर नौसैनिक विद्रोह हुआ उसके अंदर भी जिन्होंने हिस्सा लिया उनके भी कोर्ट मार्शल हुए। ये मैं इसलिए यहां पर कह रहा हूं कि एक औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकल करके अपनी भारतीय मानसिकता बनाने की जो देश के लिए जरूरत है, जो आज के विकास के लिए भी जरूरत है, वो मौका हमने उस समय से आजाद होने के बाद से ही खोना शुरू कर दिया था कि हमने औपनिवेशिक मानसिकता के, वो हमारे पहले गवर्नर जनरल रहेंगे माउंटबेटन, उनके कहने पर निर्णय लेंगे, उनके कहने में आप यूएन चले गए, उनके कहने पे आपने सीज फायर कर दी पाकिस्तान से। तो वो औपनिवेशिक मानसिकता, वही ब्यूरोक्रेसी का हिसाब, वही पुलिस का हिसाब, उसको हमने बदलने की उस समय से कोशिश नहीं की, जो कि अब कुछ प्रयास हो रहे हैं कि उस मानसिकता से हम बाहर निकले। सुशील जी, एक आध गाना और सुनाइए इसमें, जो आजाद हिंद फौज के तराने थे, मैं सरुल जी आप बताइए तरानों में उनके। इसमें सर जैसा कि आपने बताया, जब ये बात चली कि शायद नेताजी डिसअपियर हो गए, ये बात हुई तो ब्रिटिश ने चाहा कि इसको लोगों को बताएं कि नेताजी अभी हिंदुस्तान में नहीं है, या किसी ने कहा कि डिसअपियर हो गए हैं, तो उस वक्त एक नज़म आई इनकलाब न्यूज़पेपर में ये बताने के लिए कि नहीं, नेताजी जिंदा हैं। और इनकलाब उर्दू का ही अखबार जी जी, और उन्होंने इसका नाम रखा जान हिंद आ गए, ताकि जान हिंद, जान हिंद आ गए, आ गए जान हिंद आ गए जी, क्योंकि लोग जान हिंद आ गए जी, थोड़ा सा लोग परेशान हो गए थे कि नेताजी कहाँ है कहाँ नहीं, हमारी एक्टिविटीज कौन देखेगा। तो ये नज़्म आई पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, पूरे इंडिया में, ये थी, नाम इसका जान हिंद आ गए। सुभाष जी, सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, वो नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए, वो नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज जो थी बाहर सारी बाहर से हो रही थी, लोगों ने फैलाया कि हिज नो मोर जी। तो इन्होंने ये पोएम लिखी सभी हिंदुस्तानियों को जागरूक करने के लिए, वो लोगों ने ही नहीं, कुछ चंद व्यक्ति जिनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट था जी, जिनका अपने कुछ पॉलिटिक्स थी, उन्होंने फैलाने की कोशिश की कि नेताजी नहीं रहे, या नेताजी गायब हो गए, या नेताजी मर गए, उन्होंने फैलाने की कोशिश की। और इस न्यूज़पेपर ने इसके अगेंस्ट ये लिखा जी, आगे बताइए, सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, वो नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए, सुभाष जान हिंद हैं, सुभाष आन हिंद हैं, सुभाष शान हिंद हैं, सुभाष कान हिंद हैं, सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, गमों की बदलियां खुली, चमन का फूल हर कली, हंसी हंसी खुशी खुशी बनाज शौक गा रही, सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, खुशी का दौर आ गया, निशात बन के छा गया, एशिया का आफ्ताब एशिया पर छा गया। ये जो चीज है सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, एशिया का पूरे एशिया, पूरे एशिया में जो कॉलोनियलिज्म था जी, उसके उसको खत्म करने में, कि इंडोनेशिया आजाद हो रहा है, वियतनाम आजाद हो रहा है, कंबोडिया आजाद हो रहा है, बर्मा आजाद हो रहा है, इसीलिए लिखा गया एशिया का आफ्ताब एशिया पे छा गया, सुभाष जी वो जान हिंद आ गए। क्या बात है, क्या बात है, ये चीज थी, क्या बात है। सुशील जी आप बताएंगे हिंदी में। हाँ सर, एक तो सर जो आपने अभी बात की कि जो INA के ट्रायल्स चले, तो आपने बात की कि 3 लोगों को ट्रायल पर रखा गया, वो सारी चीज़ें, तो इस तरह की बहुत सारी कविताएं मिलती हैं जो INA ट्रायल्स पे भी हैं जी।
और उन सेना नायकों पर भी हैं जिन पर ट्रायल्स चले थे, तो वो ये कविताएं साफ साफ दर्शाती हैं कि इन ट्रायल्स ने जनता को किस तरह से और ज़्यादा एकजुट किया है, और किस तरह से और देशभक्ति की भावना का संचार किया है, और किस तरह से जनता अब एकदम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और विभाजन की मांग से अलग भी हट रही है। वह भी है, वह भी है कि वो जनता में एकजुटता भी आ रही है और जनता इस चीज को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है एक दिन के लिए भी कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करे। मैं सिर्फ दो लाइन पढ़ता हूं। जाग चुका है मुल्क तुम्हारे सुंदर बलिदानों से, जाग चुका है हिंद तुम्हारे सुंदर अभियानों से, पता चलेगा देश आज यह जगता या सोता है, बच्चा बच्चा चाह रहा है शूली का उपहार, ओ अंगार, यानी पूरा देश एक अंगार में तब्दील हो चुका है अंग्रेजों के लिए और पूरा देश आज़ादी चाहता है। दूसरी आपने बात की सर कि अभी एक जो महिला जासूस थी, सबको पता है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो एक पूरी महिलाओं की रेजिमेंट बनाई थी और लेफ्टिनेंट कर्नल लक्ष्मी ने उसका नेतृत्व किया, तो कर्नल लक्ष्मी पे भी कविताएं मिलती हैं। आप ये देखिए हाँ, कि आजाद भारत की सेना में हाँ, हम अब जाके महिला शक्ति की बात कर रहे हैं और उनको सेना में बात कर रहे हैं जी, और सुभाष बोस आजाद हिंद में सन 1942 के अंदर जो है पूरी एक रानी झांसी रेजिमेंट खड़ी कर दिए थे। मैं समझता हूँ भारतीय महिलाओं के लिए इससे गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती। तो कुछ कई कविताएं कर्नल लक्ष्मी पे मिलती हैं, दो मैं इस पे उद्धृत करना चाहूंगा। एक कविता जो नेताजी का तुलादान हुआ था सिंगापुर में, और जो वहां पे एक पड़ले पे उनको रखा गया था, एक पड़ले पे लोगों को कहा गया था कि आप इनके बराबर दान करिए सोना चांदी देकर, के बराबर में अपना और हाँ, और वो पूरी प्रक्रिया हुई थी, तो उसमें भी कर्नल लक्ष्मी को लेकर के वहां आया है और कहता है कि लक्ष्मी ने लक्ष्मी बन करके इस पूरी प्रक्रिया को किया। क्या बात है, यानी कर्नल लक्ष्मी जो थी वो देवी लक्ष्मी के रूप में वहां पर वो लेता है उनको और कहता है कि इनके आने से ही एक पूरा जो समृद्धि है वो चल करके आज नेताजी के पास आई है, इस तरह से वो प्रस्तुत करता है। एक दूसरी कविता है जो शांति धवन ने लिखा है, महत्वपूर्ण है कि वो भी महिला ही है जिन्होंने लिखा है, और वो इसमें भी कर्ण लक्ष्मी को आग की लपटों की तरह से कह रही हैं कि ये सबको झुलसा देगी। बताइए जरा, सुनाइए। जवानी आग की चमकती लप लपाती मचाती शोर कि दुनिया थर थराती, डराती मौत को भी हिलाती नींव, इस नापाक जालिम सल्तनत की कड़कती बिजलियों सी इस जमी पर कि सरगम तुम मनोहर, मरण के राग की जवानी आग की। तो ये है। और उसके बाद एक कविता मैं और पढ़ूंगा जो सर ये छपी तो 48 में है और ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब सुभाष आएंगे तो क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत हाँ। अच्छे, मतलब देखिए एक बात ये बहुत यहाँ महत्वपूर्ण हाँ। है कि जबकि 45 अगस्त के बाद में पूर्णतः फैलाने का और भ्रमित करने का प्रयास किया गया हाँ। कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई है हाँ। उस हवाई जहाज के गिरने से हाँ। और सुभाष अब नहीं रहे हैं हाँ। और उसके बावजूद भी सन 48 में भी भारत की जनता जो है ये आस लगाए है कि सुभाष आएंगे तो क्या होगा। बताइए सुशील सर, एक तो 46 में कवि कह रहा है, 1946 में कविता है, कब तक आओगे बोलो तो ओ मेरे अजय सेनानी। ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि कोई भी यह मानने के लिए इन कवियों में तैयार नहीं है और ऐसा लगता है कि ये जनता की वाणी है, जनता से उठ करके ही साहित्य आता है, तो कोई भी हम मानने को तैयार नहीं कि सुभाष अब नहीं है, सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आएंगे, कब आएंगे बात इसकी हो रही है। तो वो कह रहा है कि पुनः आगमन पावन तेरा रच देगा कुछ नई कहानी, कब तक आओगे बोलो तो भारत के अजय सेनानी। अब मैं वो कविता पढ़ रहा हूँ जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है और ये आज़ादी के बाद छपी 1948 में और उस समय के पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को पकड़ती है कि सुभाष आएंगे तो क्या होगा और आखिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो पहले वो कह रहा है कि आपको आना है तो क्यों आना है, तो कह रहा है कि बड़ी विकट परिस्थिति है, स्थिति डामाडोल है, राष्ट्रनायक के हाथों का शासन दंड हिलडुल रहा है, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको, यद्यपि वह अंधेरे में टटोलने के समान कभी कभी कुछ कर रहा है किंतु इस व्यवसायित्मक का बुद्धि से बेड़ा कैसे पार होगा, इस समय तो तुम्हारे जैसे स्थिर बुद्धि दृढ़ संकल्प एवं अदम्य साहसी नेता की आवश्यकता है। देश सेवा के अग्रणी बनो, प्यारे भारत की रक्षा करो, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। अब देखिए वो आगे क्या कह रहा है कि जैसे अभी एक बात चलती है कि सुभाष अगर आते तो शायद उनको युद्धापराधी ठहरा दिया जाता। हाँ, क्योंकि हाँ, अंग्रेजों ने तो उनको युद्ध अपराधी घोषित कर दिया था हाँ, हाँ, और हमारे आजाद भारत की सरकार ने उस समय हाँ, कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि इन्हें युद्ध अपराधी ना माना जाए हाँ, किया हाँ, तो उस पर यह कविता है कि
कदाचित तुम्हें आशंका होगी कि तुम्हारे प्रकट होने पर अपने न्याय और सज्जनता की डोंडी पीटने वाले धूर्ततम अंग्रेज तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय युद्धापराधी ठहराकर तुम्हारे विरुद्ध अभियोग चलाएंगे। तुम यह भी सोचते होगे कि उस समय भारत सरकार साधुता और आदर्श के चक्कर में पड़कर तुम्हें उनको सौंपने में भी नहीं हिचकिचाएगी। ये दोबारा पढ़िए, इसको दोबारा पढ़िए जरा दोनों लाइनों को। कदाचित तुम्हें आशंका होगी कि तुम्हारे प्रकट होने पर अपने न्याय और सज्जनता की डोंडी पीटने वाले धूर्ततम अंग्रेज तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय युद्धापराधी ठहराकर तुम्हारे विरुद्ध अभियोग चलाएंगे। तुम यह भी सोचते होगे कि उस समय भारत सरकार साधुता और आदर्श के चक्कर में पड़कर तुम्हें उनको सौंपने में नहीं हिचकिचाएगी। तुम्हारी दोनों आशंकाएं निर्मूल नहीं हैं। तुम्हें सौंपते समय भारत सरकार कहेगी कि भय की क्या बात है, संसार के सामने तुम्हें निर्दोष सिद्ध करके हम बचा लेंगे। किंतु राष्ट्र संघ के प्रपंची सदस्य जब तुम्हारे वध का निर्णय कर देंगे तब भारत सरकार से कुछ करते धरते नहीं बनेगा। वह कहेगी कि भाई जब सब पंचों ने जिसे अपराधी ठहरा दिया उसकी रक्षा या सहायता हम कैसे करें। सुशील कब की लिखी हुई है ये? सर जनवरी 1948 में छपी है, जनवरी 1948 में। बहुत अच्छे परसेप्टिव एनालिसिस है। इनके कवि का नाम है हमारे हाँ, चंद्रशेखर पांडे जी। अच्छा, ये बहुत बड़े कवि थे लेकिन इनको पूरा मेनस्ट्रीम साहित्य से निकाल दिया गया। तो वो कविता है आगे की, वह कहेगी कि भाई सब पंचों ने जिसे अपराधी ठहरा दिया उसकी रक्षा या सहायता हम कैसे करें। किंतु विश्वास करो सुभाष, यह सब कुछ ना होगा। और क्यों नहीं होगा? हम 30 करोड़ शुद्ध भारतीयों के रहते हुए तुम्हारी ओर कोई उंगली नहीं उठा सकते। बहुत अच्छे, हम 30 करोड़ भारतीयों के रहते हुए तुम्हारी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। हाँ, तो हमारे 30 करोड़ जो भारतीय हैं सारे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक हमारे शरीर में रक्त का एक भी बिंदु शेष है तब तक शत्रु तुम्हारा बाल भी स्पर्श नहीं कर सकता। बहुत अच्छे। वर्तमान भारत सरकार को भी तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा, नहीं झुकेगा तो हम झुकाएंगे, यानी जनता झुकाएगी। उस समय हम समस्त भारतीय तुम्हारी आजाद हिंद सेना के सैनिक होंगे और तुम एकमात्र नेता होगे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब एक बहुत ही परसेप्टिव एनालिसिस है उस पीरियड का जो इस बात को साबित करता है कि एक चीज जो समर गुहा ने अपनी किताब में लिखी थी सिंगापुर को लेकर के, कि जब वहाँ पे हमारे नेताजी नेहरू ये गए वहाँ पे और सुभाष बोस जी की समाधि पे जा करके वो इन्हें कुछ अपर करना था तो माउंटबेटन ने शक जाहिर किया था कि ये हो सकता है सुभाष अभी जिंदा है और इनको अगर इस तरीके से मतलब इनको आदर सम्मान दिया गया तो राजनीति में भारत की क्या असर होगा ये आप समझ सकते हैं। और नेहरू जी नहीं गए थे उस जगह पर। अब ये उस समय की एक चीज़ और बताती है कि जो लोकप्रियता है सुभाष की भारतीय जनता के अंदर और जो भारतीय जनता से भारतीय जनता को उम्मीद है नेताजी के बारे में, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस काल की जनता को समझने की और साबित करती है कि जो लोकप्रियता है जी। सर कि बोस कितने लोकप्रिय हैं आवाम के अंदर और जो कई और लोगों ने, जर्नलिस्ट ने, कई और लोगों ने जिन्होंने वो बार बार डिमांड की कि इनकी जो नेताजी की मृत्यु डिक्लेयर कर दी गई है इसके रस्ते से पर्दे उठाए जाए और ये मृत्यु नहीं है और बार बार ये आकांक्षाएं दी गई कि डर यही था कि सुभाष इतने लोकप्रिय हैं कि अगर वो आते हैं तो भारतीय राजनीति में पता नहीं उसका क्या भूचाल आएगा, असर पड़ेगा। इसी पे एक वो ये इस प्रकार की कविता उस समय की कविता 48 के लिए क्यों कविता साबित करती है, मतलब इसमें तो कोई राजनीति नहीं है, ये तो एक कवि के हृदय से जो आम जनता की भावनाएं हैं वो कवि उन भावनाओं को व्यक्त कर रहा है कि सुभाष आ जाओ और इस बात से मत डरो कि अंग्रेज जो है वो तुम्हें अपराधी बनाकर ले जाएंगे या भारत सरकार भी तुम्हें उन्हें सौंप देगी क्योंकि 30 करोड़ भारतीय तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आवाज है उस समय की संचालित। और इसको सर इसको कंक्लूड करते हुए कभी जी बताइए कि भारत का एक एक प्रांत पुकार रहा है, भारत का एक एक प्रांत पुकार रहा है, भारत का एक एक नगर पुकार रहा है, नगर का एक एक ग्राम पुकार रहा है, ग्राम का एक एक व्यक्ति आकुल कंठ से पुकार रहा है, तुम आओ स्वागत में हमारी पल के बिछी हैं, तुम्हारे आदेश पर प्राण न्योछावर करने को उद्यत हैं, जन जन की स्फूर्ति बनकर आओ, मन मन की उमंग बनकर आओ, देश की शान बनकर आओ, जाति धर्म की आन बनकर आओ, विश्व में महान बनकर आओ, धुधला होकर शांत हो भारत भव्य प्रकाश, इसके पहले ही सदल आओ वीर सुभाष। अर्थात अंतिम जो लाइन है वो ये कह रही है कि ये भारत जो है ये सदैव से एक विश्व गुरु रहा है और इसका जो प्रकाश है वह अब धुधला पड़ रहा है,
इस भव्य प्रकाश के धुधला पड़ने से पहले ही हे सुभाष आप आइए, और इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है, सदल आओ, यानी पूरी सेना के साथ आइए। तो आप अपनी पूरी आज़ाद हिंद सेना के साथ है, जो सर ने अभी बात कही कि उन सैनिकों को लिया नहीं गया हमारी सेना में, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान की सेना में ले लिया गया। नहीं, वो यहाँ उस समय बहुत है, चर्चा है बहुत इसके ऊपर कि किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ में, जिन्होंने देश के लिए सारी कुर्बानियां दी, उनको अंग्रेजी फौज का ट्रेटर डिक्लेयर करके, गद्दार डिक्लेयर करके उन पे मुकदमे चलाए जाना और ये करना, तो ये तो बात बनती नहीं कुछ। तो इसीलिए ये कह रहा है कि सदल आओ, यानी पूरी सेना के साथ आओ। तो देश की जनता पूरी सेना के साथ सुभाष को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, अब उस समय की सरकार ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, ये एक प्रश्न है। सरोज जी आप बताइए। जब, जब हिंदुस्तान के अवाम को ये पता चला कि नेताजी इज नो मोर जो न्यूज़ फैलाई ये गलत है, तो वो खुशी में एक नज़म लिखी गई, ये बताने के लिए कि नेताजी इज अलाइव। बताइए, उसके टाइटल नेताजी मिल गया, नेताजी मिल गए हैं शेरे जहां हमारा, नेताजी मिल गए हैं शेरे जहां हमारा। ये कब की लिखी हुई है? ये सर 44 की, 44-45 होगा, 45 के एंड का लग रहा है ये, क्योंकि इन्होंने 45 के बाद जी इन्होंने 45 का एंड लिखा हुआ है, कॉन्फिस्केटेड लिटरेचर में से है हर का। बताइए बताइए। नेताजी मिल गए हैं शेरे जहां हमारा, अब तो मिलेगा वापस हिंदुस्तान हमारा। क्या बात, क्योंकि ये सब क्या बात, कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा कर दिया कि डिवीजन होने की बात, सॉरी अब तो मिलेगा वापस, अब तो मिलेगा वापस हिंदुस्तान हमारा। था इंतजार जिनका, दिल में प्यार जिनका, भारत का वीर आया वो कदरदान हमारा। क्या बात। परचमे इनकलाबी चमकेगा आसमान पर, परचमे इनकलाबी चमकेगा आसमान पर, दिल्ली में जब झूमेगा ऊंचा निशा हमारा। झंडे के बारे में क्या बात। सदियों से सो रहे थे, अब तो खुली हैं आंखें, पाएंगे अब आज़ादी, मिले आस्था हमारा। क्या बात। गिन गिन के लेंगे बदला, ये है बयां हमारा, ले इनकलाबी खंजर अब जाएंगे मैदान में, होगी विजय हमारी, रब रहनुमा हमारा। अब 30 लाख मिलकर नेता का साथ दें, ये 30 लाख वही सोल्जर्स जो हैं, अब 30 लाख मिलकर नेता का साथ दें, हो जाएगा संपूर्ण स्वराज हमारा। क्या बात, क्या बात। मतलब देखिए कविताओं के माध्यम से, और अभी तो हमने सिर्फ कविताओं की चर्चा की है, मेरे ख्याल इस तरीके के तमाम लेख भी उस समय के अखबारों के अंदर उर्दू और हिंदी के अखबारों में प्रकाशित हुए हैं, जिन्होंने स्वराज की भावना ही नहीं बल्कि एक भारत की भावना, विभाजन का विरोध करते हुए की भावना, हिंदू मुस्लिम को साथ मिलकर के पुनर्लड़ने की भावना, नेताओं को चेतावनी देने की भावना कि हम एक हैं हमें मत बांटो, इस तरीके की बात जो सामने इन लेखों में लाई। क्योंकि मुझे याद है कि मौलाना आज़ाद ने इंडिया फिल्म फ्रीडम में लिखा था कि हमारे जो नेता हैं उन्होंने विभाजन के बारे में एक निर्णय ले लिया था, लेकिन सारा देश उसके ऊपर रो रहा था। और देखिए यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने की ये भी है, जो मैं इसको थोड़ा जोड़ के देखना चाह रहा हूँ, कि आज़ादी नहीं बादशाह गफ्फार खान ने लगातार पाकिस्तान का विरोध किया था जिन्ना से लड़े थे, और उनको ये कह दिया गया कि नहीं अब पाकिस्तान एक रियलिटी है, आप पाकिस्तान का साथ दीजिए, जिन्ना का साथ दीजिए। और वो उनके बेटा वली खान जो थे उन्होंने ज़िंदगी भर जेल जो है पाकिस्तान की जेलों के अंदर अपनी जिंदगी काट दी। लेकिन आपके इस प्रयास से और इस शोच से और जो हमने इस सेंटर से किया है और जिसको हम आगे अब ले जाने चाहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने प्रकाशित कर दी हैं, ये कविताएं और लेख जो है उस समय के, ये बताने को आज की युवा पीढ़ी को कि सन 42 से 47 के दौर में जहाँ एक तरफ गांधी की लोकप्रियता थी तो वहाँ दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की भी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई थी, चाहे उनको कांग्रेस के पद से हटा दिया गया हो अध्यक्ष पद से, और उसके बाद में भी जिस तरीके की कुर्बानी उन्होंने दी, मतलब दिल्ली से चल करके स्वास्थ्य अच्छा ना होते हुए उस समय निकल करके बॉर्डर से जाना, वहाँ जाना, वहाँ से जाके जापान जाना, एक संगठित मोर्चा बनाना, स्त्रियों की ब्रिगेड बनानी, जासूसों की ब्रिगेड बनानी और उस पूरे संगठन को कार्य देना, मैं समझता हूँ एक इस प्रकार का, और जो खुद पहले कांग्रेस के जो अहिंसात्मक तरीका है उनके साथ पूरी कांग्रेस में लड़ाई लड़ी और देखते हुए, इस तरीके का महानुभाव, इस तरीके का योद्धा, इस तरीके का स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी, मैं समझता हूँ ना भारत में कोई हुआ है ना कोई होगा।
और मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी एक जो चादर छुपी हुई है उनकी अदृश्य होने पे, वो जल्दी से वो चादर खुल करके सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी, शुक्रिया।